फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप सभी का चंदा निटिंग चैनल में स्वागत करती हूँ। आज फ्रेंड्स फिर से आपके लिए एक न्यू डिज़ाइन लाई हूँ। ये एक मैं बच्चे के लिए स्वेटर बना रही थी, इसमें मैंने ये डबल कलर का डिज़ाइन डाल रखा है। ये गले से बनने वाली स्वेटर है। ये डिज़ाइन मैं आज आपको बना के दिखाऊँगी। बहुत ईजी डिज़ाइन है। आप इसको लेडीज जेंट्स बच्चों के स्वेटर किसी भी प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। ये डिज़ाइन बनाने के लिए आपको 4x4 के मल्टीपल में फंदे चाहिए। अब मैं आपको ये डिज़ाइन बना के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये मैं ग्रीन और पिंक में बना रखा है। आप इसको किसी भी कलर में बना सकते हैं। ये बाजू है मेरा, आप इसको किसी भी कलर में डालिए, सब में बन के बहुत ही अच्छा लगता है। सिंपल डिजाइन है ये, लगता बहुत सुंदर है, एकदम उभर के आने वाला डिज़ाइन है। आप इसको सिंगल कलर में भी बना सकते हैं, डबल कलर में भी। अब मैं आपको इसको बना के दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ये मैंने वाइट कलर ले रखा है, इसमें मैं आपको आप बना के दिखा दूँगी। पहला फंदा हम उतार लेंगे। सिंपल है फ्रेंड्स, इसमें हम सीधे सीधे 6 सिलाई निकालनी हमने, सीधे से सीधे और उल्टे से उल्टे। ये इसी तरह मैं इसको पूरे दोनों साइड से एक पूरी सिलाई लास्ट तक सीधी सीधी बना लेती हूँ। सीधी से सीधे बनाने हैं और ये सेकंड रो है बैक साइड से, ये पूरी हमने उल्टी उल्टी बनानी है। सीधी सी सीधी बनानी है, उल्टी से उल्टी। इसी तरह हमने 6 सिलाई निकालनी है। मैं इसी तरह बना लेती हूँ इसको, फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड, इसमें मैंने 6 सिलाई सीधी सीधी निकाल ली है। अब यहाँ से मैंने दूसरा धागा जोड़ लिया है, ये पिंक कलर का धागा जोड़ रखा है। आप किसी भी कलर में बना सकते हैं। इस कलर से हम पहला फंदा इसको इस तरह बना लेंगे और ये दूसरा, ये दो फंदे बना लिए। अब ये तीसरा फंदा, इसको हम खोलेंगे। देखिए इस तरह, एक, तीन और ये देखिए, इस तरह हमारे इसमें 4 धागे आ जाएंगे। ये 1, 2 और ये 3 और ये 4, जो जिसको हमने खोल रखा है, इसमें इस तरह सिलाई डालेंगे और इसको सभी फंदों में पीछे से करते हुए इसको इस तरह बना देंगे हम। देखिए इस तरह हमारा ये डिजाइन बन रहा है। फिर यहाँ से हमने 1, 2, 3, ये 3 फंदे हमने सीधे बनाए। अब ये चौथा फंदा हमने खोलना है, तो देखिए 1, 2, 3 और ये 4 बार हम इसको खोल लेंगे। 4 धागे होने चाहिए। 4 बार खोल के इसमें फिर से यहाँ से सिलाई डालेंगे और ये चारों धागों के इस तरह हमारा डिज़ाइन बन जाएगा। फिर से सेम रिपीट, 1, 2 और ये 3। अब ये चौथा फंदा फिर से खोलेंगे, इसको छोड़ देंगे इस तरह, 1, 2, 3 और ये 4 हो गए। ये फिर से सेम इसी तरह फिर से बना दिया मैंने। देखिए 1, 2, 3 हमने बना दिए। फिर से चौथा फंदा खोलेंगे, देखिए 1, 2, 3 और ये 4 धागे ये हो गए पीछे। अब इसको हमने जो हमने खोला था वही फंदा उठाएंगे और ये चारों को इस सिलाई के ऊपर ले लेंगे इस तरह, इसी तरह। बहुत बस एक ही सिलाई में हमने ये डिज़ाइन बनाना होता है, बाकी 7वीं सिलाई में हमारा ये डिज़ाइन बनता है। 6 सिलाई हमने सिंपल निकालनी होती है। 3 फंदे बना दिए, फिर से सेम रिपीट, 1, 2, 3 और ये 4। इस तरह देखिए हमने ये 4 धागे निकाल लिए हैं और ये इस जो हमने इसमें जो खोला वो फंदे को इस सिलाई में उठाएंगे और ये 4 धागों को जो खोल रखे हैं सिलाई के ऊपर ले लेंगे और ये इस तरह हमारा डिज़ाइन बन गया। फिर ये 1 और ये 2 फंदे हमारे लास्ट में सीधे बन। इस तरह फ्रेंड्स हमारे 20 फंदों में डिज़ाइन बन गया है। अब इसकी ये बैक साइड है। अब बैक साइड में हमको कुछ नहीं करना है, सेम ही करना है जैसे हम पहले बना रहे थे, उल्टे से उल्टा। ये सारे फंदे हमने
उल्टे उल्टे बना लेने हैं, सीधे से सीधा। छह सिलाई फिर से हम सेम रिपीट करते हुए निकालेंगे, उल्टे से उल्टा और सीधे से सीधा। तो इसी तरह मैं पूरी सिलाई बना लेती हूँ, फिर इस तरह फ्रेंड मैंने पूरे बैक सिलाई निकाल ली है। सीधे से ये इस तरह दिख रहा है, अभी छोटे एक ही डिज़ाइन बना है तो पता नहीं चल रहा है। अब हमने सेम रिपीट, जैसे हमने वाइट कलर से छह सिलाई बनाई थी, वैसे हमको इस रेड कलर से भी छह सिलाई सीधी 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 उल्टी निकाल लेनी है, सीधे से सीधे और उल्टे से उल्टे, कुछ नहीं करना है, बाकी सारे सिंपल सिंपल छह सिलाई हम इसी तरह निकाल लेंगे। मैं पूरे इसी तरह सीधे से सीधा और उल्टे से उल्टे छह सिलाई निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ। सिंपली इसी तरह बनाना है हमको, कुछ नहीं करना है बाकी इसमें। मैं इस तरह बना के फिर दिखाती हूँ। ठीक है फ्रेंड, इसी तरह मैंने फिर छह सिलाई इसमें निकाल ली है। आप धाड़ी करके भी गिन सकते हैं पीछे से, एक दो तीन चार पाँच छः धाड़ी आनी चाहिए उल्टी वाली, तो आपका छह सिलाई पूरी हो जाएंगे। अब देखिए, पहले हमने यहाँ से वाइट कलर से बनाना है, पहले रेड कलर से बनाए थड़ी जाइन, अब वाइट कलर का आएगा। तो देखिए, एक दो, पहले हमने इस वाले पे डिजाइन डाला था, अब इसमें नहीं डालेंगे। अब चार फंदे हम सीधे निकाल लेंगे। अब जो हमने ये बीए वाला फंदा है बीच का, ये इसमें डिजाइन, चार फंदे हमारे सिंपल आएंगे, एक दो तीन चार, और ये बीच वाला, ये वाला इसके बीच वाला ये डिजाइन बनेगा, दो तीन और ये चार, चार हो गए। और इसमें इस तरह सिलाई डाल के इसको इस तरह नीचे से निकाल लेंगे, ये एक डिजाइन यहाँ पे बन जाएगा। फिर सेम ही करेंगे, एक दो और ये तीन, तीन फंदे बुनने के बाद ये चौथा फंदा हमने बुनना होता है, एक दो तीन और ये चार, चार बार खोल के फिर इसमें सिलाई डालेंगे और यहाँ से सेम जैसे हमने पहले किया था उसी तरह फिर से बनाएंगे, एक दो और ये तीन, तीन फंदे बुन लिए, एक दो तीन और ये चार, चार बार खोल के फिर इसमें सिलाई डाल देंगे, ये इस तरह हमारा ये डिजाइन आएगा। फिर सेम रिपीट करते हुए आगे बढ़ना है हमको। इसी तरह आपको जितने, आप इसको मल्टी कलर में भी बना सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे मैंने दो ही कलर में बना रखे हैं। आप अगर छोटे छोटे धागे बचे हैं तो बच्चों के लिए, लेडीज किसी के लिए भी बना सकते हैं। इस तरह इनको बना देना है, फिर यहाँ से हमने ये चार फंदे सिंपली बना लेने हैं लास्ट में। इस तरह हमारा ये डिजाइन बन के आएगा फ्रेंड्स। देखिए इतना सुंदर लग रहा है, बैक से कुछ इस तरह दिखेगा और फ्रंट से इस तरह बन जाएगा, तो आपका डिजाइन इसी तरह बन के आएगा। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, एकदम उभर के आने वाला डिजाइन है, बहुत ही सुंदर लगता है फ्रेंड्स। इसके बाद कुछ इस तरह इसका लुक आएगा, बैक साइड से कुछ इस तरह दिखता है, फ्रंट से इस तरह। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, उभर के आने वाला डिजाइन है। आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।